सावरकर वाले ट्वीट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से वार पलटवार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में रविवार को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया था और कहा था कि महान आत्मा सावरकर का अपमान ना करें। इस पर कई लोग उनसे सवाल पूछने लगे थे, जिसके बाद रिजिजू ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने रिजिजू की चुटकी ली है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा, आप ट्विटर पर लोगों को इतनी तेजी से क्यों ब्लॉक कर रहे हैं किरेन रिजिजू जी, और डर गए। बता दें कि रविवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी की ड्राइव करते हुए एक तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ लिखा था, सावरकर समझा है क्या, नाम राहुल गांधी है। कांग्रेस के इस ट्वीट पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। इसी कड़ी में किरेन रिजिजू ने भी कांग्रेस के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। रिजिजू के इस ट्वीट पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी मजे लिए थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रिजिजू के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि 9 बार जोड़िए सावरकर की तरह। इसके साथ हाथ जोड़ने वाली 9 इमोजी भी शेयर की थी। बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को राहुल गांधी की जिस तस्वीर को शेयर किया था वो उस वक्त की है जब रविवार को दिल्ली पुलिस कांग्रेस सांसद के आवास पर पहुंची थी। इसके बाद राहुल गांधी अपने आवास से खुद कार ड्राइव करते हुए निकले थे, जिसकी तस्वीर को शेयर करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा था। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से उनकी महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर की गई टिप्पणी के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके घर पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कहा था कि मैंने सुना है कि महिलाओं का भी यौन उत्पीड़न हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुलिस से मुलाकात के बाद उन्हें 4 पन्नों का जवाब भेजा है। राहुल ने इस नोटिस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 8 से 10 दिन का समय भी मांगा है।